everyone, welcome back to my channel and welcome to the new vlog of the Ghai family. बोलू की शादी की सीरीज जैसे चल रही है तो आज है डे 3. कल जैसे कोई फंक्शन नहीं था, आज जो होने वाला है वो है जागो का फंक्शन और वो हम यानी कि हमारी मम्मी यानी कि हमारा घर ऑर्गेनाइज कर रहा है गोलू के लिए, गंधर्व के लिए. तो हमारे बिल्डिंग में होने वाली है जागो की सेरेमनी. जागो एक पंजाबी फेस्टिवल है जिसके अंदर दूल्हा अपने पेरेंट्स से गुस्सा होके आता है बुआ के घर या किसी भी दादको के घर, जैसे उसकी बुआ है तो वहाँ आ गया, और गोलू चाचू जब गुस्सा होके आएंगे तो उनको मनाने के लिए पूरी फैमिली आएगी जागो लेके. मतलब उसमें मैं दिखाऊंगी सारा आपको, जागो लेके आएगी, छड़ी लोटा एवरीथिंग ऐसे लेके आएंगे और हमारे यहाँ वो आके पहले आके रुस जाएगा और उनको मनाने फिर आएंगे और पूरा फंक्शन होगा, संगीत होगा, गाना बजाना होगा. लेकिन सुबह की शुरुआत हो चुकी है, हम जिम होके आ चुके हैं, क्या नया आज भी, क्योंकि मैंने उसको कराई है, बच्चा यार थक जाता है. और नीचे के फंक्शन में पहले रिकॉर्ड कर चुकी थी कि टेंट वगैरह आ गया, वो मैं अभी इसके बाद क्लिप लगा रही हूँ. अब मैं दिखाती हूँ छत पे क्या हो रहा है. पास में है छोलिया चाट जो मेरे आने से पहले चट हो चुकी है, और यह है पूरी आलू. कौन सा प्रसाद है? कौन से प्रसाद? स्पेशल चटनी बनाई है. अच्छा, उन्होंने बनाई है स्पेशल. अच्छा, अनीता आंटी ने, अनीता आंटी ने बनाई है चटनी. और ये मीठा और ये चाय. तो ये है वो जागो जो मैं बोल रही थी. क्या बजा रहे हो आप ये नया इंस्ट्रूमेंट? बता दो यार हमें भी. मैं बॉक्स के सीईओ वैभव सर ने मुझे ये गिफ्ट किया है और प्रॉमिस किया है कि मैं बजाना भी सीख जाऊंगा जल्दी. वो सिखाएंगे आपको. मोटा बेट दे रहा मोटा कितना हो गया, खा भी पूरी रहे. हनुमान जी के भोग के लिए खाना एंड यहाँ तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं. जागो का पूरा सेटअप हो रहा है. जाते ही है क्लास तो अपने दूसरे बेस में आ गए हैं और अब हो गया लंच रेडी. तो लंच हो गया रेडी और उसका मेन्यू बताने वाली है अनीता. तो इडली है, कर्ड राइस, कर्ड राइस ओके, ये सुबह वाले आलू, ये सांबर, ये आंटी के हाथ की रेड चिली चटनी, और ये है हलवा, बेसन का हलवा है आई गेस, सूजी का हलवा ओके. और ये सब ढूसने वाले. डन विद माई क्लास और आज है जागो का फंक्शन एज यू नो. अब होंगे रेडी, 6 बज चुके हैं ऑलमोस्ट क्लास खत्म होते होते ही. हाँ 5:50 हो चुके हैं, बस अब होंगे तैयार. पंजाबी लुक करने वाले हैं आज. लेट्स सी कैसा लगता है. मुझे मेरे सावन का इतना अच्छा नहीं लग रहा था. लेट्स सी आज कैसा लगता है. उसने हेयर स्टाइल अच्छा नहीं बनाया मुझे लग रहा था, मेरे पे सूट नहीं किया वो हेयर स्टाइल ज़्यादा. बाकी पता नहीं कैसा लग रहा था, वो तो आप ही बताना. लेकिन अब ये वाले में देखते हैं कि हम कैसे लगते हैं. सो दिस इज माई सूट फॉर टूडे. जागो है तो भाई पंजाबी लुक तो चाहिए. अभी इसके साथ लगेगी परांदी और कियान भी पहनेगा कुर्ता पजामा. बस अब लगेगी परांदी एंड वी ऑल आर गेटिंग रेडी फॉर आवर फंक्शन जागो. अभी कियान का लुक भी दिखाते हैं आपको. और ये हमारी मम्मी हो गई है सबसे पहले जागो के लिए रेडी, फुल पंजाबी, पंजाब वाइब्स आ रही है. वाओ बहुत सुंदर लग रही है मम्मी, ब्यूटीफुल. तो देखो भाई ये हमारा दूल्हे राजा आ गए रुस के घर हमारे. अब इसके पेरेंट्स इसको मनाने आएंगे. क्या मांग रहा है फिर गोलू? भैया तो कह रहे हैं कि गाड़ी की डिमांड कर ले. मैंने वैसे दो चीजें सोची थी, या तो एक इंटरनेशनल ट्रिप मांगता विद फैमिली. ये सही, ये विद फैमिली बोल के सही किया तूने. भैया कहते हैं कि वो तो तू कभी भी जा सकता है या उसमें इतना खर्चा भी नहीं होना, बिल्कुल तो की गाड़ी मांगो. बिल्कुल असेट बनाओ, असेट. अब चाहे एक साल बाद दे, दो साल बाद. पहले एक बात बताओ, तुम दोनों ने क्या कुछ प्लान किया था? सेम दिन कैसे हो गया? जहाँ प्यार होता है भाभी अपने आप ट्विनिंग हो जाती है. अपने आप ट्विनिंग. एक प्लेट में खाना खाते हैं हम, एक कपड़ा पहनते हैं. बस 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 को मेरी ऐसी बीवी ना मिले भाई. So we are ready and we are going downstairs. अब आने वाले हैं गोलू को मनाने के लिए उसके घर वाले. तो लेट्स सी, फर्स्ट लेट मी जस्ट शो यू हमारी डेकोरेशन कैसी है. जस्ट वेट. सो दिस इज द सेटअप. हमारे दूल्हे राजा ने मांगा है एक्सयूवी 700 की डाउन पेमेंट, और वो यहाँ ये पर्ची पे लिख के एनवलप में डाल के अपने पापा को देंगे. कह रहे बस डाउन पेमेंट कर दो, बाकी खर्चा हमारे भाई साहब खुद निकाल लेंगे. तो अब ये लिखेगा, देखते हैं इसकी राइटिंग कैसी है. चलो भाई, ये हमसे ही पढ़ता था वैसे, देखते हैं इसकी राइटिंग में कैसा कैसा सुधार आया है. राइटिंग तो और खराब, जिंदगी खराब होने वाली है और राइटिंग भी. भाई मेरी तो राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी है, तो मैंने भाभी को बोला है कि आप लिख दो. पापा वैसे तो आपका आशीर्वाद ही बहुत है. एक्स
ये तो सील पैक हो गया। सील पैक ए रहा नहीं जाता। ओ मान लग गया, नहीं मान लग गया। आपका आशीर्वाद ही बहुत है, लेकिन अगर डाउन पेमेंट कर दो भाई होगी प्लीज। पापा चाहे एक साल ले लो, पहले भी कर सकते हो। एक काम करूंगा, तीनों का एक साथ बैठा दूंगा। डिनर टाइम, पकौड़े, रायता, सिखाने वाले, राइस, चपाती, दाल, कड़ी पकौड़ा मम्मी लेते हुए, यहाँ कुछ सिखाते हुए, ये चाप, गाजर का हलवा, कॉफी और पानी। It's a wrap. Khatam. God bless you, bhai. God bless you. अब चल रही नीचे समेटा समाटी और यहाँ पे बड़ों का काम वही हो रहा है। क्या आया है देखें बैठ के, भाई के घर से और क्या भतीजी के घर से अलग अलग चीज़ें आई हुई हैं। हम अपने अवतार में वापस। तो ये होती है जागो जो आपने आज के इस व्लॉग में देखी। कैसा लगा आपको हमारा ये पंजाबी कल्चर? शादियों के दिनों में 7 बजे क्लासेस रख के बैठेंगे तो यही होगा ना, यही होगा ना यार। आज हम लोग सो रहे हैं गोलू के घर ही, लेकिन सुबह 7 बजे क्लास है तो हम लोग मतलब मैं और ये सुबह आ जाएंगे 6:30 बजे घर। अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। इतना ठूसने के बाद ग्रीन टी क्या होता है मामी? ग्रीन टी से नॉट ग्रीन टी, इट्स डैप टी, इट्स हर्बल टी और डैप टी। अब मेरे व्लॉग देखने वालों को लग रहा होगा ये एकदम से पंजाब ने क्या अपनी असली रूप में आ गई है। तो यहाँ सोने वाले हैं मैं और कियान आराम से, यहाँ सारे लौंडे लपाड़े। ये तो भाई सुबह की तैयारी, यहाँ मामी भाभी वगैरह सोएंगे। तो भाई फाइनली नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। कल सुबह का व्लॉग कल सुबह स्टार्ट करेंगे, day 4 ऑफ देवर की शादी। तो आज का ये व्लॉग होता है यही एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय बाय।